खिचड़ी के साथ किस किस की मेमोरी नहीं है, सबकी मेमोरी होती है और ये खिचड़ी की ही रेसिपी है। तो पहले क्या करा, ऑयल डाला उसके अंदर, थोड़े से खड़े मसाले, उसी के साथ जीरा, अनियन, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे। जब तक वो पक रहा है उसी टाइम थोड़े से मसाले बाउल के अंदर कुछ इस तरीके से उसे मिक्स कर लेंगे पानी डाल के, ताकि जो आप सीधा डालो वो जल जाता है, अगर आप ऐसा डालोगे तो वो जलेगा भी नहीं और अच्छी तरह से वो पक जाएगा। जैसे आपके मसाले पक जाए उसके अंदर डाल दो टमाटर, टमाटर को अच्छी तरह से पकने के बाद हम उसके अंदर डालेंगे सोख करे राइस और मूंग दाल, और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लो। और उसी के साथ साथ जैसे हम लोग चावल नहीं पकाते उसी तरह हम लोग को खिचड़ियों को भी पका लेनी है। मैंने यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट 3 सीटी लगाई थी, फिर मुझे थोड़ी खिचड़ी पतली करनी थी तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला। आप खिचड़ी को ऐसे भी खा सकते हो, या फिर यहाँ पे देख सकते हो मैंने खिचड़ी के अंदर लहसुन वाला तड़का लगाया है, आप वो लगा के भी खा सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरवाइज आप उसको नॉर्मल भी खा सकते हो, वो भी अच्छी लगेगी। सो खाना बनाना, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट करके जाना। थैंक यू।